गांव बनावाड़ी में पशु विभाग के उप निदेशक डॉक्टर सुखविंदर सिंह व उपमंडल अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार के दिशा निर्देशन अनुसार पशु स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पशुओं का इलाज किया गया व दवाइयां वितरित की गई। राजकीय पशु चिकित्सालय बनावाड़ी के इंचार्ज डॉक्टर मदन लेगा ने बताया, पशुओं में बांझपन से मुक्त करने के लिए पशुओं को हार्मोनल इलाज की भी दिया गया। उन्होंने पशुपालकों को जागरूक करते हुए बताया कि सर्दी में पशुओं के मौसम में पशुओं के उचित देखभाल करें, ताकि उनके स्वास्थ्य पर सर्दी का दुष्प्रभाव ना पड़े। ज्यादा सर्दी के कारण पशुओं में काफी दूध की कमी देखी गई है। उन्होंने कहा कि पशुपालक अपने पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए खुले में नहीं बांधे, पशुओं को गर्म व गुनगुना पानी पिलाएं, पशुओं को छत वाले मकान में रखें व बोरी व कम्बल से ढककर रखें, पशुओं को अधिक मात्रा में संतुलित आहार डालें। उन्होंने बताया कि सर्दी में मौसम में जो भैंस और गाय के बछड़े, छोटे बच्चे, कटड़े, उनमें पानी की कमी के कारण पेशाब की थैली व पेशाब के रास्ते में पथरी होने से पेशाब का बंद पड़ जाता है, जिसकी वजह से पशुपालकों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर लेगा ने बताया कि समय पर इलाज ना मिलने से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि पेशाब का बंद होना सिर्फ सर्जिकल ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी से बचाव के लिए छोटे बछड़ों व कटड़ों को 10 से 20 ग्राम नसोदर प्रतिदिन खिलाने से उनमें पथरी होने से उनको बचाया जा सकता है। अखिल भारतीय किसान सभा खेत मजदूर यूनियन व सीटू ने मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। नायब तहसीलदार की गैर मौजूदगी में आर सी छबिलदास को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इससे पूर्व किसान सभा खेत मजदूर यूनियन सीटू ने ताऊ देवलाल पार्क में सांझे मुद्दे को लेकर के बैठक का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता रोहतास डूडी, जय सिंह व संतोष ने की। मुख्य वक्ता के तौर पर किसान सभा जिला उप प्रधान कॉमरेड विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि लगातार किसानों व मजदूरों की मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें सरकार किसान मजदूरों की मांगे पूरी नहीं करने की बजाय उन्हें गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि 2020 के सफेद मक्खी के बकाया मुआवजे, खरीफ फसल 2022 की क्रॉप कटिंग की गड़बड़ियों में बीमा कंपनियों व संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उचित बीमा क्लेम, मुआवजे व मजदूरों के गुलाबी व पीले कार्ड, नई पेंशन व कटी हुई पेंशन बहाली, मनरेगा के 200 दिन के काम, फैमिली आईडी की गड़बड़ियां आदि हरियाणा सरकार के हाल के किसान व मजदूरों के दमनकारी फरमानों को वापिस लेने को लेकर मांग पत्र दिया गया है। उन्होंने कहा है कि यदि उनकी मांगे 19 जनवरी तक नहीं मानी गई तो तीनों संगठन तहसील कार्यालय पर धरना देंगे। इस अवसर पर मास्टर हनुमान सिंह, मनोहरलाल, जगदीश शर्मा, शर्मिला, वजीर सिंह, किरण, बिमला, कविता सहित अनेक लोग मौजूद रहे।